गाइज जय श्री कृष्ण राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब, उम्मीद करते अच्छे होंगे। मैनी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो एक खबर सामने आई है कि हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण राधे राधे। कैसे आप लोग, उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। स्वागत है मैनी ब्लॉग में। एक खबर सामने आई है कि फेमस यूट्यूबर मालती चौहान अब इस दुनिया में नहीं रही, जो कि इसका शादी विष्णु राज लड़के के साथ हुआ था, जो कि उसका अफेयर चल रहा था किसी और लड़की के साथ, जो कि सुनने में आया कि वो भी शादी की है दूसरा। तो पता नहीं कौन सही है कौन गलत है, हम लोग नहीं जानते हैं। जो कि फेमस यूट्यूबर, जो कि शॉर्ट वीडियो, रील्स, इंस्टाग्राम शॉर्ट, जो भी बनाती थी बहुत अच्छी बनाती थी वो। इसका वीडियो बहुत ज्यादा ही वायरल हो रहा था। इतना बड़े यूट्यूबर होकर उनके साथ ऐसा घटना हुआ, ऐसा देखकर कोई भी यूट्यूब पर आना चाहता है तो नहीं आएगा, क्योंकि दोस्तों इतना हादसा के बाद कौन आएगा यूट्यूब पर। सोचेगा कि ऐसा ऐसा बड़े यूट्यूबर के साथ हो रहा है तो मेरा साथ क्यों नहीं होगा। तो दोस्तों इसलिए कोई यूट्यूबर नहीं आएगा। और ये जैसा भी हुआ है मर्डर, इसका जांच पड़ताल हो कि उनका कातिल का पता चले। तो दोस्तों हम लोग बहुत ही दुखी हैं क्योंकि उनका हत्या हो गया। तो प्लीज आप लोग उनका, दोस्तों उनका शादी होने के बाद देखे थे कि एक मंदिर में शादी कर रहा है, पता नहीं उसका नाम क्या है, अर्जुन करके नाम है उसका, और उसके साथ शादी हो रहा है। तो हम लोग देखे थे पीला सिंदूर डाल रहा है उनके मांग में। तो दोस्तों जो भी है कुछ भी हो, पर उनका जान गया है तो उनका जम गया है तो उनका इंसाफ मिलना चाहिए दोस्तों, क्योंकि हर यूट्यूबर एक चाहता है कि उनका इंसाफ मिले, क्योंकि इतना बड़ी यूट्यूबर होकर इतना हिम्मत वाला होकर वो ऐसे कभी नहीं कर सकती दोस्तों। पता नहीं ऐसे वो की है या दूसरा किया है, हम लोग तो पता नहीं है, पर पुलिस जांच कर रही है, देखते हैं कब तक इनका कातिल को पता चलेगा चल रहा है। तो दोस्तों प्लीज भगवान उनको आत्मा की शांति दे, क्योंकि हम लोग तो यही चाहते हैं कि उनका कातिल को पता चले। और हाँ, जितने भी औरत है उन सबको मैं बताना चाहती हूँ कि अपने पति को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहिए। वो अगर अपना पति को नहीं छोड़ती तो शायद ऐसा नहीं होता। कभी भी अपने पति के साथ रहती तो शायद ऐसा ना होता दोस्तों। तो उनका लड़ाई तो हम देख रहे हैं कि पता नहीं, जब YouTube पर आते थे तब देखते थे कि वो लोग झगड़े लड़ाई कर रहे हैं। तो दोस्तों झगड़े लड़ाई से क्या होता है, अपने के नुकसान पहुंचाते हैं। आखिर उनका ही ना नुकसान हुआ, वही ना दुनिया में नहीं रही। झगड़ा तो करती थी पर दोनों करते थे, हम नहीं बोल रहे कि एक को गलती है, दोनों का गलती था। तो दोस्तों जो भी है बेचारी बहुत अच्छी थी, क्योंकि इतना सफल मिलने के बाद अब आई थी कुछ करने के लिए। तो दोस्तों प्लीज, तो दोस्तों ये घटना देखने के बाद मेरे घर वाला भी देखे, बोल रहे थे तुम वीडियो मत बना तुम दोनों, क्योंकि वो भी डर गए हैं सब देख कर कि इतने बड़े यूट्यूबर के ऐसा हो गया तुम लोग के साथ क्या होगा। तो दोस्तों हम समझाएं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि हम दोनों साथ में बनाते हैं वीडियो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए यूट्यूबर दोस्तों। क्योंकि पहले आकांक्षा दुबे के मौत हुआ, उसके बाद ममता चौहान जी जो थी उन लोगों की थी, ममता
शिवा चौहान जी वो भी मर गए, उनका भी हत्या हो गया, पता नहीं उनका कैसे हुआ। बोल रहे थे कि बीमारी था उनका इसलिए हो गया। अब उनके बाद ये देखिए मालती चौहान जी इतने बड़े यूट्यूबर थे और उनका जो कुछ नहीं हुआ था फिर भी उनका हत्या हो गया उनसे। अब ऐसे देख कर यूट्यूब पर कौन आना चाहिए। तो जितने भी मेरे यूट्यूब फैमिली हैं आप लोग प्लीज कमेंट कीजिए कि उनके साथ कैसा। जितने भी यूट्यूबर हैं आप लोग प्लीज उनका सपोर्ट कीजिए दोस्तों। तो प्लीज हम दोनों को सपोर्ट कीजिए। उनका तो खैर भगवान जाने, उसका पुलिस जांच कर रही है। तो प्लीज हम दोनों को सपोर्ट कीजिए और ज्यादा ज्यादा सपोर्ट कीजिए। बोल जैसे भी जाना चाहिए। और गोरखपुरिया भौजी जो है वो बहुत उनका मदद करती है दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा होने वाला है और बड़ा हो गया है। तो दोस्तों प्लीज हमारा सपोर्ट प्लीज आप मेरे चैनल पे नहीं तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक बाय।